दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ट्रायल। दोस्तों द ट्रायल को लिखा था 20th सेंचुरी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्मन शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रेंच काफ्का ने। दोस्तों ये जो वर्क है ये फ्रेंच काफ्का का एक और एब्सर्ड वर्क है। दोस्तों द ट्रायल फ्रेंच काफ्का का लिखा हुआ एक वर्क है। फ्रेंच काफ्का 20th सेंचुरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं दोस्तों नेट के हिसाब से। इनका जो वर्क है द ट्रायल ये 1914-15 के बीच में प्राग में लिखा गया और 1925 में इसको पब्लिश करवाया गया। दोस्तों जिस वक्त इसको लिखा गया और पब्लिश करवाया गया उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम चल रहा था और दोस्तों इसकी सेटिंग रखी गई है, कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं है, यूरोप की कोई सिटी है उसके अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है। और दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों कहानी शुरू होती है जोसेफ के नाम के एक आदमी से। एक सुबह वो उठा जब उसका 30वां जन्मदिन था, तो सुबह सुबह दो पुलिस वाले उसके घर आए और वो दोनों पुलिस वाले उसको आ करके उसके घर की तलाशी लेते हैं और उसको बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। जोसेफ एक बैंक में अच्छा खासा क्लर्क है और इसको पता भी नहीं कि इसने क्या क्राइम किया है जो इसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो बड़े ही अजीब ढंग से इससे पूछताछ हुई, इसकी तलाशी ली गई और इसको छोड़ दिया गया कि जाओ तुम नॉर्मली जैसे अपने काम पर जाते हो वैसे जाओ, तुम फ्री हो। इसको समझ में नहीं आया कि इसकी तलाशी क्यों ली गई, इसने क्या किया था, लेकिन अब ये फ्री हो गया है। लेकिन उन पुलिस वालों के आने से इसके घर का माहौल बिगड़ गया। इसने अपनी लैंड लेडी से माफ़ी मांगी और इसके साथ में एक लड़की रहती है इसी के घर के पास में जिसका नाम है फ्रॉलाइन। तो पहले इसने अपनी लैंड लेडी से माफ़ी मांगी और रात में ये फ्रॉलाइन के घर पर गया, उससे इसने बात की, डिस्कशन की और एंड में जब ये वहाँ से जा रहा था तो इसने फ्रॉलाइन को गले भी लगा लिया और फ्रॉलाइन ने इसको किस भी कर लिया। दोस्तों इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उसे किस कर लेगा। अब दोस्तों इस जोसेफ को अपने ट्रायल की पहली सुनवाई मिली, यानी कि पहली तारीख मिली कोर्ट में जाने की। तो ये कोर्ट में गया, लेकिन वो कोर्ट एक बहुत ही अजीब सी जगह बनी हुई थी। वो कोर्ट कम और एक किराए का कमरा ज़्यादा लग रहा था। अब इसकी सुनवाई का टाइम आया, इसकी सुनवाई हुई और जैसे इसकी सुनवाई ख़त्म हुई तो ये जोसेफ वहाँ से जाने लगा, कोर्ट से जाने लगा। तो जज इसको बोला, कोर्ट का जज इसको बोला, तुम्हारा जो रवैया है उसके चलते तुम्हारा केस और बिगड़ सकता है। अब दोस्तों ऐसे ही अगले हफ्ते इसकी एक और सुनवाई हुई जिसमें इसको पहले नोटिस नहीं दिया गया कि तुम्हारी सुनवाई है, कोर्ट में आ जाओ। अब जैसे तैसे करके इसको पता चला और ये कोर्ट पहुँचा। कोर्ट में पहुँचा तो वहाँ पर पूरा कोर्ट रूम खाली सिवाय एक लेडी के, एक औरत थी वहाँ पर, वो लेडी शायद वहाँ पर काम करती थी। वो लेडी इससे फ्लर्ट करने लगी, तभी उस लेडी का हस्बैंड आ गया, वो भी वहीं पे इसी कोर्ट में काम करता था। और वो उस लेडी का हस्बैंड इस जोसेफ को उस कोर्ट का पूरा माहौल दिखाने लगा, जिससे जोसेफ का वहाँ पे दम घुटने लगा, उस कोर्ट के अंदर दम घुटने लगा और वो फ्रेश हवा में जाना चाहता था, तो उसको फ्रेश हवा में ले जाया गया बाहर। अब दोस्तों इसके बाद इस जोसेफ ने कई बार फ्रॉलाइन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्रॉलाइन इस जोसेफ को इग्नोर कर रही थी बार बार। अब एक दिन जब ये काम पे जा रहा था, अपने काम पे जा रहा था, तो इसको कुछ रोने की सी, पीटने की सी आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे इसने दरवाज़ा खोला, जिन दो पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट किया था उनको पीटा जा रहा था। पता नहीं वजह क्या थी, लेकिन इसको पता चला कि इन्होंने बुरा बर्ताव किया था जोसेफ के साथ में जब इसको इनको पीटा जा रहा था। अब ये चीज़ देखकर जोसेफ का बहुत ही मन खराब हो गया, वो डीपली डिस्टर्ब हो गया। ऐसे में उसके पास उसके अंकल कार्ल आए उससे मिलने, जब वो काम पर था, अपने काम पर था बैंक में। तो क्योंकि अंकल कार्ल को जोसेफ की चिंता थी तो उन्होंने जोसेफ से कहा कि मेरा एक लॉयर फ्रेंड है जिसका नाम है हर्ल्ड, उसके पास मैं तुमको लेकर के चलता हूँ, शायद वो तुम्हारा केस देखे ढंग से। दोस्तों ये लॉयर के बारे में आपको बताऊँ, लॉयर हर्ल्ड बूढ़ा और बीमार आदमी था। तो जोसेफ को जब वहाँ पर ले जाया गया, जब उससे बात हो रही थी लॉयर से, तो ये उस घर की मेड से फ्लर्ट करने लगा, जो उस लॉयर के घर की मेड थी उससे फ्लर्ट करने लगा। तो इसके अंकल कार्ल इसके पास आए और इसको बोले कि बेटा तुम्हारे इस टाइप की गंदे बिहेवियर से हमारा केस और भी बिगड़ गया है। अब दोस्तों बार बार इस जोसेफ की सुनवाइयां हो रही थी, तो काम करते हुए भी जोसेफ को अपने ट्रायल की सुनवाइयों की याद आती थी। ऐसे में जिस जगह पर ये काम करता था वहाँ पर अपने क्लाइंट्स पर तो ये ध्यान नहीं देता था, तो इसके बैंक का जो डिप्टी डायरेक्टर था वो सारे के सारे इसके क्लाइंट खा रहा था और उस डिप्टी डायरेक्टर से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
तो दोस्तों जोसेफ बहुत ही डीपली डिस्टर्ब था इस टाइम पर। तो ऐसे में एक क्लाइंट ने जोसेफ से बोला कि तुम एक बंदे से मिलो, एक पेंटर है जो कोर्ट में पेंटिंग बनाता है, जिसका नाम है टिटोरिलाए, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इसने उस पेंटर टिटोरिलाए का एड्रेस लिया और अपना काम छोड़कर वहां से चला गया उस पेंटर से मिलने के लिए। दोस्तों उस पेंटर का घर बहुत ही अजीब सी जगह बना हुआ था, तो उस पेंटर ने जोसेफ से कहा कि वो उसकी मदद करेगा और उसे बताया कि कैसे कैसे इन सुनवाइयों से फ्री हुआ जा सकता है। वो बोलता है कि इस टाइप के ट्रायल या तो बड़े लंबे जाते हैं या फिर तुमने जो क्राइम किया है वो साबित हो जाता है। अब ये बात ने जोसेफ को बड़ा ही बेचैन कर दिया था। उसके दिमाग में अभी एक ही बात घूम रही थी कि उसके केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और इसने तय किया कि ये अपने लॉयर को गोली मारेगा। इसका जो लॉयर है हल्ड, उसको गोली मारेगा, उसको शूट करेगा। वो उसके घर गया, हल्ड के घर गया, तो वहाँ पर एक ब्लॉक नाम का बंदा बैठा हुआ था। ब्लॉक नाम था उसका बंदे का। ये ब्लॉक एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है। ये भी कानूनी मामलों में ऐसा फंसा है कि 5 सालों से ये फंसा ही हुआ है। इसने अपना सब कुछ लगा दिया अपने कानूनी मामलों में, यहाँ तक कि ये इस लॉयर हल्ड के पास ही सो जाता है रात में। जोसेफ ने इस ब्लॉक से कहा कि मैं हल्ड को मारने आया हूँ, तो इसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पहुँच गया उसके ऑफिस में। तो लॉयर ने जोसेफ से बात की, उसे पटा लिया और जोसेफ को बैठ करके उससे बात करने लगा। काफ़ी देर तक बात करने के बाद में जोसेफ जब जाने लगा तो उससे पता लगा कि ये ब्लॉक जो है कभी कभी यहीं सो जाया करता है, ये इतना परेशान है अपने कोर्ट के धक्कों से। अब दोस्तों ये जोसेफ वापस अपने काम पर जाता है अपने बैंक में, तो इसको बोला जाता है जोसेफ को कि एक इटालियन क्लाइंट आया है, उसे यहाँ का लोकल कैथेड्रल देखना है, मतलब यहाँ का लोकल चर्च देखना है, तो इसे लेकर के जाओ। तो अब ये जोसेफ घुमाने लेके गया उस इटालियन क्लाइंट को उस चर्च में, उस कैथेड्रल में। तो उस कैथेड्रल का जो प्रिस्ट था पुजारी, वो जेल में भी उपदेश देता था अपने, उसने जोसेफ को अपने पास बुलाया उसका नाम लेकर और उससे एक स्टोरी सुनाई छोटी सी, जिसको पैराबल बोलते हैं, कि एक आदमी कानून तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट पर खड़े गेट कीपर्स गार्ड्स जो थे वो खड़े थे गेट पर, उसे रोक रहे थे। अब दोस्तों इस छोटी सी बात का बड़ा गहरा मतलब है, कैसे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों इस एक साल के अंदर, यानी कि इसके केस को चलते चलते एक साल हो गया था, ऐसे ही जोसेफ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसकी ट्रायल चल रहे थे, एक साल बाद में जब इसका 31वां बर्थडे आया, 31वें बर्थडे की सुबह, इसे उन्हीं 2 पुलिस वालों ने फिर से अरेस्ट कर लिया जो इसके 30वें बर्थडे की सुबह आए थे, और इसे ले गए एक ऐसी जगह ले गए जहां पर खुदाई होती थी, कोई खान टाइप की जगह थी, खदान टाइप की जगह थी जहां पर खुदाई होती थी, और चाकू से उसके हार्ट पर 2 बार वार किया और इसे मार डाला। मरते मरते वो एक ही चीज़ बोल करके गया, उसे अपनी दुख मौत पर, इस तरह की मौत पर दुख था, तो उसने जाते जाते एक चीज़ बोली, लाइक अ डॉग, यानी कुत्ते की तरह। तो दोस्तों ये थी फ्रेंच काफ्का की एक अपसर्ड नावल। अब दोस्तों इस नावल की थीम क्या है, इसके अंदर फ्रेंच काफ्का ने क्रिश्चियनिटी पर कमेंट किया है, लीगल सिस्टम पर कमेंट किया है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है इस पर कमेंट किया है। क्रिश्चियनिटी पर इस तरह से कि जोसेफ के को तो पता भी नहीं था कि उसने क्राइम क्या किया है। शायद इसके ज़रिए फ्रेंच काफ्का ये कहना चाहते हो कि हर कोई बॉर्न सिनर है, यानी पैदा होने के साथ ही वो एक पापी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, एडम और ईव की कहानी सुनी होगी, हर कोई सजा का हकदार है। और दोस्तों याद करो वो पैराबल, वो कहानी जो पादरी ने जोसेफ के को बोली थी, कि एक आदमी लॉ तक, कानून तक, न्याय तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे रोक दिया। तो वो गार्ड्स पावरफुल थे, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था, उसने बाहर खड़े खड़े वेट किया, और 200 सालों तक उसने वेट किया। वेट करते करते वो बूढ़ा हो गया और आखिरकार वो जो गार्ड्स थे, डोर कीपर्स, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो काफ्का यहाँ पर डोर कीपर्स किसको बोल रहा है, जुडिशरी सिस्टम को, ये लीगल सिस्टम जो होता है इसको, और ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को, इन पर तंज कसा है। इनको क्या कह रहा है ये, लीगल सिस्टम को, डोर कीपर्स। कोई भी इस सिस्टम में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं लेना चाहता, सब यहाँ से वहाँ घुमाते रहते हैं बस। लेकिन जोसेफ इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाया और एंड में उसको मार दिया गया, खान के पास ले जाकर उसको मार दिया गया। और दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये नोवेल ख़त्म होती है।